दोनों छोड़कर चले गए हैं। मैंने आपको छोड़ा नहीं अधिराज। कि हमारे भेजे हुए पशु ने अधिराज को अधमरा कर दिया है। माँ, हमने अपनी आंखों से देखा था। जाकर ढूंढो उसे, आज इन दोनों को एक साथ खत्म करेंगे। शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। आपने हमारी प्रार्थना सुन ली। सुनैना अधिराज के जीवन से दूर जा रही। अब हमारे लिए अधिराज को मारना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। मुझे राजा साहब के निर्णय का सम्मान करना होगा। उनकी पत्नी होने का दर्द और प्रजा होने का कर्तव्य निभाना होगा। अब ज्यादा इंतजार नहीं करना होगा। हम आज रात ही अधिराज को खत्म करके अपना सपना पूरा कर देंगे। करते हैं जो स्वयं की सहायता करता है। अपना स्वाग तुम्हें स्वयं बचाना है। ये एक शैतानी अजगर है। इसके विष की थैली से ही तुम्हारे पति की जान बचेगी। लगता है ये भयानक पशु भी उस मंत्र लिखा ने भेजा होगा। इस खूंखार जानवर से बचा सकती हो, मदद करो माँ। या देवी सर्वभूतेषु दया रूपेण संस्थिता, नमस्तस्य 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्य 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 नमो नमः। अधिराज, अधिराज अपनी आंखें खोलो। अधिराज उठो ना, अधिराज। हम तुम्हें कुछ भी नहीं होने देंगे। सुनैना, तुम सम्मान हो हमारा, जिम्मेदारी हो हमारी। मैं जानता हूं हमने विवाह के साथ वचन नहीं लिए है, पर सात जन्मों का बंधन तो है। We'll be right back.
माया, तुमने क्यों किया हमारे साथ ऐसा? क्यों छोड़कर चली गई हमें? मैंने आपको छोड़ा नहीं अधिराज, बस आपके आदेश का पालन किया। तुमने तो कहा था कि हमारे भेजे हुए पशु ने अधिराज को अधमरा कर दिया है, लेकिन यहाँ तो इस पशु का शव पड़ा है, अधिराज का नहीं। माँ, हमने अपनी आंखों से देखा था, इस पशु ने अधिराज की बहुत बुरी हालत की थी, उसमें बस थोड़ी सी ही जान बची थी। तो कहाँ है अधिराज? ढूंढो उसे। मैं अभी पानी लेकर आती हूँ। पता नहीं ये अधिराज कहाँ चला गया। अधिराज बुरी तरह घायल हुआ था, इसलिए ज्यादा दूर तक तो नहीं भाग पाया होगा। अधिराज की पट्टी किसने की? कोई तो है यहां पर। ये देखिए मां, किसी ने इसकी घाव की पट्टी की है। किसने? पता नहीं मां, क्योंकि जब मैं आया तब यहां कोई नहीं था। हम जानते हैं वो सुनैना ही थी, यही कहीं आसपास ही होगी। जाकर ढूंढो उसे, आज इन दोनों को एक साथ खत्म करेंगे। अधिराज की रक्षा करना। माँ, हमने हर जगह ढूंढा पर कोई नहीं मिला। लगता है जो भी यहां पर था उसे हमारे आने की भनक लग गई होगी और वो यहां से भाग गया होगा। वो भाग गया तो क्या हो गया? अधिराज तो यही है। और हम दोनों भी यही हैं। ये लो तलवार और मार दो अधिराज को। इससे अच्छा अवसर हमें नहीं मिलेगा स्वराज। लो, सोच क्या रहे हो स्वराज? तलवार उठाओ और मार दो अधिराज को।
क्षमा करना माँ, ये हम नहीं कर पाएंगे। हम आपका हर एक आदेश मानने के लिए तैयार है, पर ये नहीं। लाओ तलवार। यही कहीं आसपास होना चाहिए, उधर जाके देखो। हमें एक औरत ने खबर दी कि यहाँ पर कोई घायल पड़ा हुआ है, इसलिए हम लोग मदद के लिए आए। ये भी उस सुनैना का ही काम होगा। लेकिन इन्हें हुआ क्या है? अच्छा हुआ आप लोग आ गए, किसी खुगार पशु ने इन पर हमला किया। अब जल्दी आइए और इन्हें महल लेकर चलिए। सब आपकी कृपा है माँ। एक बार फिर हमारी योजना सफल हो गई और हम जानते हैं इसके पीछे भी उस सुनैना का ही हाथ है। माँ, हमें तो अभी भी समझ में नहीं आ रहा कि जब आप अधिराज को मारने जा रही थी तो उसके शरीर से वो कैसी रोशनी निकल रही थी, और फिर आप इतनी कमजोर कैसे हो गई? बताइए ना माँ, वो सब क्या था? माँ, हम जानना चाहते हैं, बताइए हमें आप, क्या आखिर आपकी शक्तियां कम क्यों हो गई? लगता है अब समय आ गया है आपको सब कुछ सच बताने का। चलिए हमारे साथ, आप खुद अपने आंखों से देख लीजिए। यहाँ इतना उजाला कैसे है जबकि बाहर तो रोशनी की किरण तक नहीं आ रही है? देखिए इसकी शक्ति, ये कालस्त्र का आधा टुकड़ा है और जो अधिराज के शरीर में चमक रहा था वो कालस्त्र का दूसरा भाग है। हम जानते हैं तुम्हारे मन में कई सवाल उठ रहे हैं, चलिए हम तुम्हें बताते हैं कि कालस्त्र है क्या। ये वो शक्तिशाली अस्त्र है जिसे पाने के लिए हमने कठिन तपस्या की, जिसके प्रभाव से हमने भूत, पिशाच, चुड़ैलों, डाकिनी, ब्रह्म राक्षस और न जाने कितनी काली शक्तियों की शक्ति को
अपने वश में किया है और फिर प्राप्त हुआ हमें कालस्त्र। फिर तो इसमें अपार शक्तियां होंगी। हाँ, इसमें इतनी शक्ति है कि हम किसी भी शैतान या इंसान को मार सकते हैं और उसे पूर्ण जीवित भी कर सकते हैं। इसे पाकर हम अपार शक्तिशाली महानिशाग्नि बन सकते हैं, लेकिन इसे उपयोग करने से पहले ही काल विनाशक ने हम पर हमला कर दिया और सब कुछ बर्बाद कर दिया। काल विनाशक? काली शक्तियों को विनाश करने वाला कहा जाता है उसे। उसने हमें पराजित कर दिया और हमारे कालस्त्र को दो टुकड़ों में बांट दिया। तो माँ, उसका टुकड़ा अधिराज के पास कैसे? क्योंकि अधिराज भी उसी काल विनाशक कुल से संबंध रखता है। यही कारण है कि हम अधिराज को मारकर कालस्त्र का दूसरा टुकड़ा पा सके, ताकि दोनों टुकड़ों को फिर से जोड़कर हम महानिशाग्नि बन सके। कल तक हमारे चंद्रमा का स्थान अनुकूल है, हमें अधिराज को कर ही मारना होगा। अगर कल तक हम अधिराज को नहीं मार पाए तो हमें वर्षों तक प्रतीक्षा करनी होगी। लेकिन भय तो इस बात का है कि बार बार हमारी योजना सफल होती जा रही है। आप चिंता मत कीजिए माँ, इस बार आपको सफलता जरूर मिलेगी। हम आपका साथ जरूर देंगे। उसे एक बात याद रहे स्वराज, अधिराज को उसकी शक्तियों के बारे में नहीं पता चलना चाहिए, वरना उसे मारना हमारे लिए और भी कठिन हो जाएगा। यह आखिरी अवसर है स्वराज, और समय बहुत कम। इस बार आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता माँ, समय भी नहीं। हे अंबे माँ, आज आपकी वजह से मुझे अपने अधिराज के साथ रहने का रास्ता मिल गया। अगर वो नर्तकी बीमार नहीं होती तो उसके स्थान पर मुझे महल में जाने का मौका ही नहीं मिलता। नर्तकी के रूप में ही सही, अब मैं उस महल में वापस जाऊंगी और अपने पति के साथ रहूंगी। और उस दुष्ट निशाकिनी को अधिराज की जान नहीं लेने दूंगी। अधिराज, वैद्य जी ने कहा है कि आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। लीजिए, औषधि पी लीजिए, इससे आपकी सेहत में सुधार भी जल्दी आएगा। अब आप आराम कीजिए।
सी द्रव्य और यही हमने अधिराज की औषधि में मिलाया है। इससे क्या होगा मां? जो भी इसे पिएगा उसका दिमाग उसके वश में नहीं रहेगा, यानी ये द्रव्य उसे भ्रमित करेगा, बुरे कार्य करने के लिए उकसाएगा। आधा काम तो आपकी इस औषधि ने कर दिया और आधा काम मेरी योजना करेगी। हाँ बेटा, आज हमें अपना कार्य खत्म करना ही होगा। आज रात जिस शक्ति का प्रयोग हम करने वाले हैं उसका प्रभाव तभी पड़ेगा जब अधिराज दिमागी तौर से कमजोर होगा। जैसा आप चाहती हैं वैसा ही होगा माँ।